बजाना हल्ला गुल्ला और सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है। आज सबसे पहले मैं सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत बार मकराना आ चुकी हूँ, तो आज क्या हो गया, पूरा मकराना ही शहर बाहर सड़क पे आ गया है। और जो मेरा राजस्थान का सपना है, उस सपने को एक शहर के अंदर आंखों से देखने को मिला। 36 के 36 आते हैं 72 घंटे में नहीं आते, आते हैं 2 महीने में। और
उस किसी को अपनी मूलभूत सुविधा नहीं मिल रही है, ऐसी सरकार को उस कुर्सी पर बैठने का क्या हक है? आज से यह तय कर लो कि ऐसी सरकार को जो हमारा कुछ नहीं संभाल सकती उसको दो मिनट भी उस कुर्सी पर बैठने नहीं देना है। हम देने को तैयार है पर बिना रिश्वत के किसी को मिल रही है क्या? किसानों के यहाँ जोरदार ओलावृष्टि हुई, पाला पड़ा और इतना बुरी हाल हो गई उनके फसल की। जयपुर में मैंने सुना कि किसानों को मुआवजा मिला। किसान को ये ब्याज बिना ब्याज का ऋण मिला? किसी को मिला? किसी को नहीं मिला। मुझे बताया जा रहा है कि आप लोगों ने ये साथ आपकी सब बातों को सुन के उनको लग रहा है कि अब जो 4.5 साल में नहीं किया किसी को नौकरी नहीं दी। तो आज वो कह रहे हैं कि अफरा तफरी में नौकरी दिलाने का भी काम कर दो। देना पड़ेगा कि नहीं, ये आपको तय करना है। अभी मैं देख रही थी मकराना के अंदर आपके ये मार्बल के मकराना के खाने नामी है। सब लोग जानते हैं कि अगर बेस्ट से बेस्ट मार्बल की जरूरत है तो सबसे पहले नाम ही करो आपके मकराना में। खनन का ये यहाँ सबसे प्रमुख उद्योग है और सभी वर्गों के लिए ये जीवन व्यापन का एक बहुत बड़ा जरिया है। लोगों की मान है और मैं समझती हूँ कि ठीक भी है कि खनन नीति का सरलीकरण किया जाए ताकि सब लोगों को उसका फायदा मिल सके। और मैं समझती हूँ कि वो सरलीकरण की नीति को हम लोगों को बैठ के अपनाने का काम करना चाहिए। मकराना में रेलवे लाइन के पास करीबन 250 मार्बल खाने हैं। अब यह था कि रेलवे की लाइन बंद कर दी जाए, नई रेलवे लाइन बना दी जाए और उसके लिए जो खनिज व्यापारी थे उन लोगों ने सबने मिलकर 14 करोड़ रुपया दिया। इसके अब 8 महीने हो गए, उन्होंने सबने पैसा अपना दे दिया, उसके बावजूद भी ये 64 खाने बंद है। 50 करोड़ का जुर्माना भी हो चुका है और पेनल्टी करीबन 311 करोड़ की बैठ रही है, तो बहुत बड़ी पेनल्टी है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि राशि चुकाना किसी के लिए भी शायद ही संभव होगा। सरकार को इसकी पैरवी करना चाहिए और हम लोग इसकी पैरवी करेंगे। और मैं कह दिया है
जाती है और वो सही तरीके से नहीं जी जाती है। तो जो वो बिजली दे रहा है उसको कोई हक नहीं है पूरे बिजली के पैसे उठाने। हमारी सरकार के टाइम में हमने सबको ये कह दिया कि जब तक बिजली सही तरीके से लोगों के पास नहीं पहुंचेगी तब तक आप उनको ऐसे बिल नहीं पकड़ा सकते जिसमें पूरे बिजली का पेमेंट आप मांगे। जितनी बिजली दोगे उतनी बिजली का पेमेंट होगा। और मैं आज ये कह रही हूं कि अगर मार्बल के माइन बंद करके रखोगे उसके बाद लोगों को परेशान करके रखोगे और उनसे ये एक्सपेक्टेशन भी करोगे कि आगे चलते वो पेनल्टी भी देंगे और आप ये एक्सपेक्टेशन करते हैं, तो मैं ये सबको कहना चाहती हूँ कि ये सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि आगे चल के वो पेनल्टी भी करे और अगर पेनल्टी गलत तरीके से लग रही है तो उस पेनल्टी को भी माफ करने का काम करे। ये दोनों काम जो जायज काम है जो जायज काम है वो करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई हमारे मन में है आ गई बात तो हम उस बात को ठीक ठीक से सबके सामने रख देंगे। बात वो होनी चाहिए जो जायज है, बात वो होनी चाहिए जो जनता के गले उतरती है, बात वो होनी चाहिए वो जायज। इसलिए आज सबको मैं कहना चाहती हूँ कि राजस्थान के अंदर हम लोग वो राज लाना चाहते हैं जिसको सुराज कहा जाता है, एक नया राजस्थान बने, एक ऐसा राजस्थान बने जिसको इतिहास की किताबों में नहीं पढ़ते परंतु यहाँ आके राजस्थान के अंदर राजस्थान को देखने आए, दूर दूर से आए और ये कह के आए कि एक था राजस्थान जिसको इतिहास में हमने पढ़ा था और एक है राजस्थान जिसका काम इतना अच्छा है, जहाँ इतना अच्छा स्टेट है कि हम लोग जाके वहाँ की मिट्टी फिर से अपने माथे पे लगाना चाहते हैं। ये राजस्थान का नाम होना चाहिए। आज राजस्थान शर्म में डूब गया है, कलंकित हो गया है। एक तरफ आपका गुजरात जिसका पूरा नक्शा दुनिया के अंदर फैल गया है, सब लोग जो बिजनेस करना चाहता है वो गुजरात में जाते हैं, मध्य प्रदेश में जाते हैं, आंध्र प्रदेश में जाते हैं, कर्नाटका में जाते हैं, राजस्थान की तरफ कोई देखता नहीं है। आज विकास दर बिहार का 16% और राजस्थान का 5%। आप सोचो कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए उन लोगों को जिन्होंने ऐसा विशाल स्टेट को ऐसी स्थिति में ला के रख दिया है जिसके लिए कोई देखने को तैयार नहीं। अब आप लोगों से मेरा यही कहना है, एक अकेला आदमी कोई कुछ नहीं कर सकता, परंतु अगर उस आदमी के साथ पूरी पार्टी पूरा परिवार सामने लग जाता है तो कोई ऐसी बात नहीं है जो वो परिवार एक साथ नहीं कर सकता है। और इसीलिए एक विशाल विकास का सपना जो हमने और आपने देखा है जिसमें हमारी महिलाएं सुरक्षित और सम्मान के साथ चल रही है, आज रोजगार किसी को नहीं मिल रहा है। मैं कह रही हूँ कि 10 लाख रोजगार जैसे तब मिले आगे भी मिले उन पढ़े लिखे बच्चों को, हमारे देश के बाहर जाने की जरूरत ना हो, मजबूत हो जाए, सही टाइम पे बिजली, सही टाइम पे खाद, सही टाइम पे बीज, सही टाइम पे पानी और सही टाइम पे उन लोगों को ये सब चीजें होना चाहिए। और अगर ये होना चाहिए तो उसके लिए हम लोग सब नहीं खड़े हो जाएंगे तो मैं समझती हूँ कि आधा काम हो जाएगा। हमारा किसान आज आत्महत्या की कगार पे आके खड़ा हुआ है, हम उसको हाथ देना चाहते हैं और हम कहना चाहते हैं कि हम उनको आगे बढ़ाएंगे, ये भी विश्वास मैं दिलाना चाहती हूँ। और मैं सबको कहना चाहती हूँ कि हमने जो बात कही है उसके साथ साथ आत्मविश्वास सरकार आपका साथ देती है तो हम लोग सब मिलके इस नए राजस्थान को बनाने में पूरी तरह से सक्षम होंगे, ये मैं आपको कहना चाहती हूँ। और अब फिर ये ITI और कॉलेज वॉलेज ये तो छोटी बात है, ये तो सरकार कहते हो जाती है, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहले तो मैंने जो वादा किया है महिलाओं को पानी, महिलाओं को बिजली, आप लोगों के यहाँ आपके ये जो
खनन नीति है, उस खनन नीति के अनंतर अभिचरण, ये सब चीजों को अपने बैठ के देखेंगे। और मैं फिर से धन्यवाद देना चाहती हूँ, वहां से लेके यहाँ तक मेरे परिवार के जो लोग बैठे हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग जिन्होंने मेरे हाथों के ऊपर हाथ रख रख के मुझे आशीर्वाद और प्यार दिया है, मेरे युवा साथी जिन्होंने कंधे से कंधा लगाकर वादा किया है, मेरी महिलाएं मेरी बहनें जिन्होंने मेरे गाल पे हाथ डाल दिए, कहा है कि हम लोगों को ये पानी की समस्या और बिजली की समस्या हटाने का बात कर रही हो, हम भी तुम्हारे साथ पूरी तरह से जान के तैयार होने के तैयार है। दोनों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है, जो पहनती है उसको आपकी इज्जत और स्वाभिमान रखने का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है, और जिन्होंने पहनाई है वो मुझे प्यार से साथ में रखेंगे, मेरी इज्जत को अपनी इज्जत जैसे बना के रखेंगे। तो मैं ये मानती हूँ कि हमारा पूरा परिवार जिस तरीके से आगे चलेगा उसको कोई पीछे हटाने वाला नहीं होगा। साथ चले और साथ करके राजस्थान को बदले, इसमें आपको एक मुखिया की जरूरत नहीं है, मुझे आप सब की जरूरत है। आप सब मिलकर चलेंगे तो ये राजस्थान को हम बदलेंगे।